हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आप लोगों के लिए मॉडल सेट लेकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है हिंदी 50 मार्क्स का जो है, तो फ्रेंड्स ये जो है आईएससी और आईकॉम के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पहली वीडियोस थी वो फ्रेंड्स आईए के लिए थी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। तो इसमें भी फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शन जो है वही दिया हुआ है, खंडा में 30 बस 19 प्रश्न है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद 5 को या तो छोड़ दीजिए, या अगर आप 30 को मतलब 30 को कंप्लीट करते हैं तो आपको 1 से 25 तक चेक किए जाएंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन को कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नूतन शब्द का विलोम होता है। ऑप्शन है पुरातन, नवीन, नया और वचिन। तो फ्रेंड्स, नूतन, नूतन मीन्स फ्रेंड्स होता है नया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पुरातन मीन्स होता है पुराना। तो फ्रेंड्स, नया का अपोजिट क्या हो जाएगा, पुराना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पुरातन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक-एक शब्द का संधि विच्छेद है। एक-एक शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, बता दें हम आपको कि एक-एक शब्द का संधि विच्छेद 1+1 होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरा शीर्षक रेखा चित्र के लेखक का नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र, और ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो फ्रेंड्स, बता दें आपको कि 3 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा महादेवी वर्मा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को बताना है कि सद्वानी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद सद प्लस वाणी, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आई होप आपको आते भी होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है 4, 20, 6 और ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 2। तो फ्रेंड्स, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, दया शब्द का लिंग निर्णय करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग को बताना है कि जो दया शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दया जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था, मतलब प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन है 1880 ईस्वी, और ऑप्शन बी 1890 ईस्वी, और ऑप्शन सी 1902 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1960 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, हम बता दें आपको कि ये प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था वो हुआ था 1880 ईस्वी में, यानी कि 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। अब फ्रेंड्स, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ होता है, मतलब एक मुहावरा दिया हुआ है उसका अर्थ बताना है हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, बता दें कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ होता है, काम न जानना और बहाना बनाना, यानी कि अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, पीताम्बर कौन समास है, ठीक है, यानी कि जो व्याकरण सेक्शन से लिया गया है, पीताम्बर कौन समास है। तो फ्रेंड्स, जो पीताम्बर है वो फ्रेंड्स बहुव्रीहि समास है, यानी कि ऑप्शन डी इसका 9 का करेक्ट हो जाएगा, 9 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो गया। अब फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंच की जुबान से कौन बोलता है। ऑप्शन ए है मुखिया, बी है अधिवक्ता, सी है सरपंच और डी है खुदा। तो फ्रेंड्स, पंच की जुबान से जो बोलता है फ्रेंड्स वो है खुदा, यानी कि भगवान, ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लालच शब्द का लिंग निर्णय करें। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पुलिंग, और ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, और ऑप्शन सी उभयलिंग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बता दें आपको कि जो लालच शब्द है वो फ्रेंड्स पुलिंग है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 11 का। अब फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है,
अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर बतलाइए कि विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला कौन देश है। तो फ्रेंड्स ये आपको मालूम भी होगा, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा भारत होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है एक, बी में है दो, और सी में है तीन, और डी में है चार। तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि हिंदी में जो वचन है उसका जो प्रकार है दो, यानी कि दो प्रकार के होते हैं वचन। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, इनमें से राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन है। आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, इनमें से राम नरेश त्रिपाठी जी का रचना कौन है। तो फ्रेंड्स जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर जीवन संदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 15 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो बताना है तो फ्रेंड्स करण कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो फ्रेंड्स से है, यानी कि ऑप्शन डी इसका 16 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि करण से आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, कविता कौमुदी के कवि हैं। ऑप्शन ए है रहीम, और ऑप्शन बी है तुलसी, और ऑप्शन सी है राम नरेश त्रिपाठी, और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स जो कविता कौमुदी है इसके कवि हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग है। तो फ्रेंड्स जो नेता शब्द है इसका स्त्रीलिंग होता है नेत्री, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 19 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, मंगर शीर्षक पाठ किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स जो मंगर शीर्षक पाठ जो है वो राम वृक्ष बेनपुरी की रचना है, यानी कि ऑप्शन जो ए है 19 का वो करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 20 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, दया शब्द का विशेषण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कठोर है ये तो होगा नहीं, और धनवान है ये भी नहीं होगा दया शब्द का विशेषण, और निर्धन भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दया शब्द का विशेषण दयालु होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 21 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, जो अपनी भलाई चाहता है का एक शब्द है, मतलब कोई अनेक शब्द दिया हुआ है उसका एक शब्द बताना है, यानी कि जो अपनी भलाई चाहता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं स्वार्थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 21 का। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बंग देश की बुलबुल की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर को किसने दी थी। तो फ्रेंड्स जो बंग देश की बुलबुल की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर को दी थी वो दिए थे पिता ने, ठीक है, उनके पिता ने दिए थे। अब फ्रेंड्स चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मंगल शब्द का विशेषण होता है। तो फ्रेंड्स मंगल शब्द का विशेषण मंगलम होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है 23 का करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 24 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, पांचवा कॉलम पुस्तक किस लेखक की रचना है। तो फ्रेंड्स जो 24 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा कलम जो पुस्तक है इसके रचना है लेखक हैं वो है हरिशंकर परसाई। अब फ्रेंड्स चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स जो दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन, दाल रोटी शब्द कौन समास है। जैसे कि दाल रोटी, माता पिता, भाई बहन, ये सभी जो हैं एक ही समास के हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है दाल रोटी जो शब्द है वो कौन से समास है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि ये जो है द्वंद्व समास है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसकी उपमा न हो का एक शब्द होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपम, यानी कि 26 का करेक्ट आंसर ए हो गया। जिसकी उपमा उपमा ना हो उसे हम लोग अनुपम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 27 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, हरिशंकर परसाई किस रूप में प्रसिद्ध थे। तो फ्रेंड्स हरिशंकर परसाई जो है वो प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है 27 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स ये आई होप मतलब कि आपको मालूम भी होगा, ऑप्शन ए बिहार और ऑप्शन बी बंगाल और ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। तो फ्रेंड्स जो रामधारी सिंह दिनकर है वो बिहार के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का। अब फ्रेंड्स चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 29 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, आश्रम शब्द का पर्यायवाची होगा। तो फ्रेंड्स आश्रम शब्द का पर्यायवाची मठ होगा, ठीक है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 30 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, गिरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो फ्रेंड्स गिरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद आपको बता दें ऑप्शन बी होगा, गिरि प्लस इंद्र। अब फ्रेंड्स चलते हैं खंड ब में। तो देखिए फ्रेंड्स खंड ब में दिया हुआ है विषयनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें देखिए जो ये भी है 25 अंक के हैं, तो देखिए इसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे मतलब दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है इसका। तो चलिए देख लेते हैं, आपको दिया हुआ है फर्स्ट नंबर इसमें क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक का भावार्थ लिखिए, ठीक है। दिया हुआ है एक फर्स्ट और सेकेंड, इसमें से किसी एक का भावार्थ लिख देना है। तो या तो आप इसका लिखिए भावार्थ, फर्स्ट का लिखिए, या आप सेकंड का लिख दीजिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें भी दो है, एक जो फर्स्ट है और सेकेंड है, तो इसमें से किसी एक का उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स आप या तो इस फर्स्ट वाले का आंसर दे दीजिए या सेकेंड वाले का, आप आसानी से दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब 8 क्वेश्चन में से किन्हीं मतलब कि 5 का उत्तर आपको दे देना है, ठीक है। तो 8 में से आपको 5 का सोल्यूशन मतलब कि उत्तर बता देना है, तो आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक अवतरण का संक्षेपण कीजिए। तो फ्रेंड्स संक्षेपण में से होता है कि मतलब उसको छोटा कर देना, तो फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। इसमें जो होता क्या है, इसका रूल होता है, देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि आप इस शब्द को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, इस तरह आप काउंट कीजिए और टोटल काउंट करने पर जितना आएगा उसमें आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये आ गया 200, अगर आ गया 200, मान लीजिए कि ये आ गया 7, ठीक है, 207 आ गया, तो इसमें हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए हो जाएगा ये 69 हो जाएगा, यानी कि 69 वर्ड में आपको इसको शॉर्ट करके लिख देना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। देखिए तो ये दिया हुआ है, किसी एक अवतरण का संक्षेपण कीजिए, यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है, या तो आप इसका कर सकते हैं, या सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर, या तो आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, किसी एक पर निबंध लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स निबंध लिखने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, दहेज प्रथा, गणतंत्र दिवस, सह शिक्षा, आपकी प्रिय पुस्तक, बेरोजगारी की समस्या और पुस्तकालय। तो इनमें से किसी एक पर आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलते हैं और आगे। तो देखिए या तो आप निबंध लिखिए, या अथवा में दिया हुआ निम्नलिखित में से किसी एक का पत्र लेखन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स पत्र लेखन करने के लिए भी दो ऑप्शन दिया हुआ, फर्स्ट और सेकंड, इसमें से किसी एक का पत्र लेखन कर दीजिए, या तो फर्स्ट का कर दीजिए या सेकंड का कर दीजिए। अब फ्रेंड्स चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल क्वेश्चन हो गए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।